अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे कि जब हम वेट लॉस की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं जिसकी वजह से वेट लॉस हो नहीं पाता। मतलब आप लाइक डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं और आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, बाजू का नहीं भी कर रहे होते, लेकिन कौन सी ऐसी डाइट में या कौन सी ऐसी प्रैक्टिस हैं जिसकी वजह से हमारा वेट लॉस नहीं होता। सबसे बड़ी बात जो आपने ध्यान रखना वो ये है कि हर टाइम वेइंग मशीन के ऊपर आपने वज़न चेक नहीं करना, क्योंकि जब आप बार बार एक तो वज़न चेक करते हैं उसकी वजह से एक तो दिल बर्दाश्त हो जाते हैं, मतलब हमारा वैसे ही मोटिवेशन का लेवल जो है कम हो जाता है। दूसरा ये कि ये वेइंग स्केल जो है ये सिर्फ एक चीज़ है जिससे आपको वज़न का पता चलता है, अंदाज़ा होता है। अदरवाइज़ जो है हमारी बॉडी जैसे कभी कभार इस तरह होता है कि आपको फ्लूइड रिटेंशन हो जाती है, जैसे हार्मोन्स कभी डिस्टर्ब हुए हैं खासतौर पर फीमेल्स में, उसके अंदर ये है कि आपकी बॉडी जब फ्लूइड रिटेन करेगी तो ऑब्वियसली आपका वज़न जो है वो उस टाइम वेइंग स्केल पर ज़्यादा आएगा। ये भी है कि अगर आपने अभी खाना खाया और साथ ही आप वज़न चेक कर लेंगे फिर भी जो है वो वेइंग स्केल पर ज़्यादा आएगा। अदरवाइज़ ये भी होता है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका मसल मास जो है वो बढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी मतलब एक बॉडी शेप में तो आ रही है लेकिन उसके अंदर आपका वेइंग स्केल के ऊपर वज़न शो नहीं होता। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने अपनी बॉडी को वेइंग स्केल पर मैयर करने के साथ साथ मतलब वेइंग स्केल पर अपना वेट चेक करने के साथ साथ बॉडी को मैयर भी किया करें ताकि हमें ज़्यादा सही अंदाज़ा हो, क्योंकि जो लोग खासतौर पर जिम में जाते हैं वो उनका मसल मास जब बढ़ रहा होता है तो आपका बॉडी शेप में आ रही होती है लेकिन वेइंग स्केल के ऊपर वो सेम शो कर रहा होता है। ठीक है, और वैसे भी हमने हर किसी को वज़न जो है वो लाइक नज़र जो आएंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय कि आपने किसी को वेइंग स्केल पर चढ़ के तो नहीं दिखाना कि हमारा वेट इतना है। दूसरी बात यह है कि बाज़ूकत हम बहुत ज़्यादा कम कैलोरीज़ खा रहे होते हैं या कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ खा रहे होते हैं, बेशक वो अपनी तरफ से हेल्दी चीज़ ले रहे हैं जैसे नट्स जो है वो हेल्दी कंसिडर किए जाते हैं, लेकिन हर चीज़ के अंदर उसका जो पोर्शन साइज़ है वो भी इंपॉर्टेंट है कि आप कितनी मकदार में ले रहे हैं। जैसे अगर आप हैंडफुल ऑफ नट्स की इजाज़त है आपको तो आप ये समझें कि जी हेल्दी है नट्स तो हम जितने मर्ज़ी खा लें, तो इस तरह से नहीं होता। आपने ये चीज़ देखनी है कि जो भी चीज़ आप ले रहे हैं उसका पोर्शन साइज़ जो है वो बहुत मैटर कर रहा है। देन जो लोग बहुत ज़्यादा कम कैलोरीज़ लेते हैं, मतलब लो कैलोरिक डाइट फॉलो करते हैं, 100,000 कैलोरीज से जो कम रोज़ाना जो है जिनका इंटेक होता है, उसमें क्या होता है कि आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाता है। तो जब आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो होगा ऑब्वियसली जो आप खाना खा रहे हैं वो उतनी स्पीड से बर्न नहीं होता, मतलब वो ज़्यादा फैट बनाता है। आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म तेज़ होगा तो आप जल्दी जो है वेट लॉस करेंगे। सो हमने जो है वो कैलोरीज़ को बैलेंस करके चलना है, ना तो बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ लेनी है और बहुत ज़्यादा लो कैलोरिक डाइट भी जो है वो फॉलो नहीं करनी। आपने लाइक न्यूट्रिशनिस्ट से कंसर्न करके कितनी आपको कैलोरी डेफिसिट होना चाहिए उसके मुताबिक जो है वो आपने अपने डाइट प्लान फॉलो कर ली। तीसरी चीज़ ये है कि बाज़ूका हम बहुत ज़्यादा या तो एक्सरसाइज कर लेते हैं या कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं करते तो फिर भी जो है वो आपका वेट लॉस नहीं होता, क्योंकि जब आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करेंगे ऑब्वियसली हमारी डाइट जो है वो 70-80% डाइट का रोल है आपको वेट को मेनटेन रखने में, लेकिन अदरवाइज़ जो बाकी 20-30% है वो आपकी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो मसल मास बढ़ाती है, मसल मास जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा आपका मेटाबॉलिक रेट फास्ट होगा, जितना ज़्यादा मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा आप उतनी ज़्यादा जल्दी कैलोरीज को बर्न करेंगे और वेट लॉस जल्दी होगा। सो वो लोग जो कि सिर्फ डाइटिंग करते हैं लेकिन एक्सरसाइज नहीं करते, वो एक तो ये कि वज़न कम लूज़ करते हैं, दूसरा ये है कि उनके अंदर टेंडेंसी भी ज़्यादा होती है कि जब वो डाइटिंग छोड़ते हैं तो फिर फौरन से जो है वो वेट दोबारा से बढ़ जाता है। या दूसरी साइड के ऊपर अगर हम बात करें ऑन द अदर हैंड, कई लोग बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज करना शुरू हो जाते हैं, लाइक एक एक घंटा करना शुरू हो जाते हैं, मतलब एक एक घंटा तो फिर भी इज़ नॉर्मल, लेकिन अगर आप 2-3 घंटे इकट्ठे ही एक्सरसाइज करेंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि आपकी बॉडी स्ट्रेस में आ जाएगी। तो एक दिन तो आप इस तरह का मतलब लाइक फॉलो कर लेंगे कि चलो जी आज हमने बड़े मोटिवेटेड हैं तो हमने 2-3 घंटे एक्सरसाइज कर ली, लेकिन अगले दिन उतनी भी हिम्मत नहीं होगी। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि खाने में तो हमने मॉडरेशन का ख्याल रखना होता है, इसके साथ साथ एक्सरसाइज या जो बाकी आप एक्टिविटीज़ रख रहे हैं उसके अंदर भी मॉडरेशन इम्पॉर्टेंट है। देन एक और मिसकंसेप्शन ये है कि जी लड़कियों को बिल्कुल भी वेट लिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए, हमें सिर्फ जो है वॉक करें, कार्डियो करें, इस तरह की आप कोई एक्सरसाइज मतलब रूटीन फॉलो करें, तो इस तरह नहीं है। अगर आप कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइजेस होंगी, आप एरोबिक्स भी करें, वेट लिफ्टिंग भी करें, तो फिर आप ज़्यादा अच्छी जल्दी जो है वेट लॉस भी करेंगे और वो वेट जो है वो रिटेन भी रहेगा, मतलब आप उसके ऊपर मेंटेन भी उसको करना आसान हो जाएगा। सो रिकमेंडेड भी ये होता है कि आप एरोबिक एक्सरसाइज करें, मतलब ये कि थोड़ी सी साइकिलिंग कर ली, थोड़ा सा आपने ट्रेडमिल पे रनिंग कर ली, थोड़ी सी वॉक कर ली, फिर जो है आप वेट लिफ्टिंग करें। आप वेट लिफ्टिंग का मतलब ये भी नहीं कि 10-10 kg का आपने डंबल्स नहीं उठा लेने, आहिस्ते आहिस्ते से जो आपकी मतलब कुवत है
एक्सरसाइज करने की, उसको आपने बढ़ाना है ग्रेजुअली जो है वो, जितना आप आराम आराम से कर सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता आपने जो है वो वेट बढ़ाना है, लेकिन जो है वो दोनों को इकट्ठे लेकर चलना है। देन बाज़ू का इस तरह भी होता है कि हमारे यहाँ बहुत सारी डाइट की चीज़ें बाज़ार में मिल जाती हैं कि ये डाइट वालों के लिए एक चीज़ बनी हुई है, जैसे जी लो फैट फूड है। तो इसके अंदर ज़रूरी है कि लो फैट फूड तो हो सकता है, मतलब अगर इसके सामने जो एक फ़ूड का क्लेम लिखा हुआ है उसके ऊपर देख के तो आपको पता चलेगा जी हेल्दी साउंडिंग कोई फूड क्लेम है कि जी हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक है, ना मोटापा करेगा। लेकिन बाज़ात ये होता है कि उसके अंदर जो चीज़ लो फैट है हो सकता है कि वो उसके अंदर शुगर की मकदार बहुत ज़्यादा हो। तो ज़रूरी है कि आप उसकी सिर्फ फ्रंट पे जो लिखा हुआ है उसके ऊपर ना जाएं, बैक के ऊपर जो उसका इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट है उसको भी देखें, और साथ में जो न्यूट्रिशन फैक्ट्स बैक साइड पे लिखे होते हैं उसको देख के आपको ज़्यादा सही पता चलेगा कि उसके अंदर एग्जैक्टली है क्या। सो आपने कोशिश ये करनी है कि नेचुरल चीज़ों को फॉलो करें, आप नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें, इस तरह की जो डाइट फूड्स अवेलेबल भी हैं इनको लेने से ज़रा परहेज़ करें, घर की चीज़ें जो हैं वो उनसे आप ज़्यादा अच्छा वेट लॉस कर सकते हैं। एक मिस्टेक जो हम करते हैं वो ये है कि प्रोटीन का इंटेक बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, मतलब ये कि अक्सर लोग डाइटिंग कर रहे होते हैं फलों सब्ज़ियों को, फलों को भी इग्नोर करते हैं, मतलब फलों को नहीं आई मीन सब्ज़ियों को इग्नोर कर देते हैं बाज़ात, लेकिन वो फल कहते हैं कि हम जूसेस पीते हैं, सुबह भी जूस और शाम को भी जूस, जूस के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के अंदर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चरल जो मतलब लाइक स्ट्रक्चर को बनाने के लिए और कॉम्पोजिशन में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो चीज़ है वो है प्रोटीन। सो अगर आपकी जैसे हम अपने नाखूनों में देखें तो कैरेटिन है, इसी तरह बालों में या स्किन के ऊपर वो सारी प्रोटीन ही मौजूद है। तो अगर आप डाइट प्रोटीन नहीं लेंगे डाइट के अंदर तो क्या होगा कि आपकी मसल जो है वो मसल मास का लॉस हो जाएगा और इवेंचुअली आपकी बॉडी के ऊपर रिंकल्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाएंगे। तो कोई भी ऐसा आई थिंक पसंद नहीं करता कि आप पतले हो जाए लेकिन बॉडी आपकी बिल्कुल साग कर जाए और ढलक सी जाए। सो प्रोटीन का इनटेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन के अंदर अब ये है कि आप बहुत ज़्यादा जो लीन प्रोटीन का इस्तेमाल करें, जैसे मछली ले ली या फिश के अलावा आप चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडे खा लिए, या कभी कभार आप जो हमें प्लांट सोर्सेज से प्रोटीन मिलता है लाइक दालें चने वगैरह उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें जब दालें पक रही हैं तो उसके अंदर भी थोड़ा सा आप चिकन डाल लें या मीट का थोड़ा सा पोर्शन डालें ताकि उसकी जो प्रोटीन की जो क्वालिटी है वो ज़्यादा बेहतर हो जाए। एक और मिस्टेक जो की जाती है वो ये है कि हम फाइबर को बिल्कुल भूल जाते हैं अपनी डाइट के अंदर से। फाइबर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर जब वेट लॉस करने की कोशिश करें। किस लिहाज से कि फाइबर जो है ये करता है कि आपकी बॉडी के अंदर जाके एक जेल सी बना लेते हैं, खासतौर पर सॉल्युबल फाइबर। तो वो जेल जो है वो क्या करती है कि वाटर को रिटेन करती है। वाटर रिटेन होगा तो मतलब आपकी भूख जो है वो देर तक आपको ज़्यादा जो है वो आपकी सेटाइटी होगी, मतलब आपको फीने को फुलनेस जो है वो ज़्यादा आएगी, तो आप ज़्यादा जो है वो नेक्स्ट मील लेने से अवॉइड करेंगे, मतलब आप पेट भरा रहेगा। सो जैसे अगर आप खाने से पहले कोई एक चम्मच इसबगोल ले लें या इस तरह की कोई भी फाइबर रिच चीज़ जो है वो आप इस्तेमाल कर लें तो आप जो है वो ज़्यादा ईजिली वेट आप लॉस कर सकते हैं। देन ये है कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग गैप्स जो हैं वो भी नहीं होने चाहिए। जैसे ये कि आपने सुबह एक नाश्ता किया और फिर आप रात को खाना खा रहे हैं, दरमियान में जो है वो आपको नहीं पता कि क्या खाना है। सो इस तरह क्या होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। आपको ये करना चाहिए कि आप स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स खाएं, मतलब थोड़े थोड़े वक्फे के बाद खाएं, लेकिन आप स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स का मतलब ये भी नहीं है कि आपने वो बिरयानी की प्लेट जो है वो सुबह 9 बजे भी खा ली तो 11 बजे भी खा ली, इस तरह से नहीं करना है। मतलब बीच में जो स्नैक का टाइम है उसके ऊपर आपने कोई फ्रूट ले सकते हैं, ये हेल्दी चीज़ खानी है, लेकिन उसका भी अगेन पोर्शन साइज़ को आपने ध्यान रखना है कि थोड़ी मकदार के अंदर लेना है और वो भी हेल्दी चीज़ होनी चाहिए। नाइन्थ नंबर पे जो बहुत ज़्यादा एक कॉमनली हम गलती करते हैं वो ये है कि बहुत ही अनरियलिस्टिक किस्म के एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं कि हमें महीने के अंदर ही जो है वो 15 किलो या 20 किलो कम करना। सो इस तरह की अगर आप एक्सपेक्टेशंस लगाएंगे तो फिर ऑब्वियसली आपका जो है वो मोटिवेशन थोड़ी देर के लिए तो रहेगी लेकिन ये अचीव भी नहीं हो सकेगा इस तरह का गोल। तो आपने कोशिश ये करनी है कि गोल जो है वो भी रियलिस्टिक किस्म का सेट करें कि जो कि अचीव भी आप कर सकें, ठीक है। तो वेट लॉस करना तो इतना आसान मतलब ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन आप लूज़ कर भी चाहेंगे तो उसको उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसको मेंटेन करके रखें। तो मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी ये है कि जो चीज़ आप आहिस्ता आहिस्ता पेशेंस के साथ अगर वज़न कम करेंगे तो ज़्यादा देर तक के लिए रिटेन भी रहेगा और आप उसको मेंटेन भी करके रखेंगे। और अगर आप फ़ौरन से वेट लॉस कर लेंगे तो टेम्प्रेरी तौर पे आपको रिज़ल्ट ज़रूर दे देगा लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग जो है वो नहीं होगा। दोबारा से जब आप डाइटिंग छोड़ेंगे तो दोबारा आपका वज़न बढ़ जाएगा। 10th मिस्टेक जो है वो ये है कि हम चीनी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब चीनी का इस्तेमाल
हो सकता है हम जो आर्टिफिशली तो हम चीज़ें ना ले रहे हों जिसके अंदर चीनी ज़्यादा है, लेकिन हम नेचुरली भी बाज़ू का चीनी वाली चीज़ें बहुत खा लेते हैं, जैसे फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल अक्सर जो लोग डाइटिंग कर रहे होते हैं वो जूसेस को इस्तेमाल करने से नहीं रुकते। मिशोगे के जी फ्रेश ऑरेंज जूस है, उसके अंदर क्या है कि नेचुरली तौर पर शुगर तो मौजूद है, बेशक उसके अंदर हमें आर्टिफिशली कुछ नहीं डाला लेकिन नेचुरल शुगर उसके अंदर है जो कि कैलोरीज आपको दे रही है। सो आपने ये ध्यान ख्याल में रखना है कि चीनी वाली चीज़ें मैं मतलब बेशक वो नेचुरल ही हैं तो उनको भी आपने मॉडरेशन के अंदर लेने। दूसरी बात ये है कि जो लिक्विड कैलोरीज होती हैं मतलब जो हमें लिक्विड वाली चीज़ों से कैलोरीज मिलती हैं वो आपके ब्रेन में जो एक एपेटाइट सेंटर है जिससे पता चलता है जो कि एक्टिवेट अगर हो वो आपको सिग्नल देता है कि आपको भूख लग रही है या आप अब फुल हो गए हैं, उसके ऊपर इतना ज़्यादा इफेक्ट जो है वो लिक्विड कैलोरीज का नहीं होता जितना कि सॉलिड कैलोरीज का होता है। मतलब ये कि अगर सॉलिड फूड खाएंगे तो आपको ज़्यादा जल्दी जो है वो सिग्नल्स मिलेंगे कि आपने आपका पेट फुल हो गया, लेकिन अगर आप लिक्विड कैलोरीज लेंगे तो थोड़ी देर बाद जो है वो दोबारा से आपको भूख लगना शुरू हो जाएगी। ये कुछ हमने 10 पॉइंट्स बताए जिसके अंदर जो मिस्टेक्स हम आमतौर पर करते हैं। अगर आपको ये कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या हमारे फेसबुक पेज के ऊपर आप हमें क्वेरी भेज सकते हैं, अपना फीडबैक भेज सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।